और क्या संयोग है कि मैं बड़े ठाकुर के नाम पर स्तवन कर रहा हूँ और छोटे ठाकुर के स्तवन करने वाला एक लाडला इस परिसर में उपस्थित हो गया। ये भी संयोग ही है। और इनमें अंतर मत समझना, ये मत समझना कि महाराज जी भागवत सुनाते हैं और कृष्ण पर बोलते हैं या हम राम पर बोलते हैं तो हमारे विषय अलग अलग है। हमारा विषय तो एक ही है, बस ठाकुर के आगे छोटा और बड़ा लग गया है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी के जीवन में जो जो छूटा कन्हैया ने वो सब सब पूरा किया। एक बार गाली खाई थी, इतनी मीठी लगी मिथिला में बैठकर जो कल सुनाई थी मैंने गाली, भगवान ने कहा अच्छा गाली भी इतनी मीठी होती है। बोले कोई बात नहीं, अगले जन्म पैदा होंगे और ब्रज में गली गली गाली खाएंगे, हम गाली खाने के लिए पैदा होंगे। आप सब तो सुनाते ही है, कितना अद्भुत प्रसंग है कि कन्हैया जब 14 वर्ष के हो गए और उन्होंने कंस का वध कर दिया और कारावासाधीन अपनी भौतिक माँ माता देवकी को उन्मुक्त कराने के लिए जब कन्हैया पहुंचे, जेल के बंधन तोड़े, तो माँ बहुत नाराज हुई और देवकी ने उनको एक तर्पण मारा और कहा रे बावरे, लोग कहते हैं तू बड़ा शक्तिशाली है, तेरे में बड़ी ताकत है, तूने गिरिराज जी उठा दिए और माँ की याद 14 साल बाद आई, 14 साल माँ से दूर रहा। तो कन्हैया ने मुस्करा कर कहा भैया इसमें क्या गलत बात है, पिछली बार मैंने 14 साल बाहर भेज दिया था दूर रही, इस बार हम तो उससे 14 साल दूर रहे, इसमें क्या। दुर्गा जी का तो कितना सुंदर पद है, सुन सुन तो एक कथा कहो प्यारी, संस्कृत में श्लोक भी है, आप आगे इसलिए मुझे स्मरण आ गया, राम की कहानी में कन्हैया आ गए, आप आए इसलिए स्मरण आ गया। हमारे मस्तिष्क के तीन भेद होते हैं बागेश्वर धाम वालों, एक है चेतन कि मैं कुमार विश्वास हूं, ये बागेश्वर धाम है, पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, ये चेतन है। एक अवचेतन जो पीछे चल रहा है कि घर में सामान लेके जाना है, रात को इतने बजे निकलना है, कल वहां से आए थे, अवचेतन। एक स्मृति है कि पिछले वर्ष फला संत आए थे, फला बोलने वाले आए थे, परम पूज्य गुरुदेव पधारे थे चित्रकूट से, ऐसी स्मृति है। इन तीनों के बीच एक दीवार है। शरीर विज्ञान कहता है कि जब रात्रि में हम सोते हैं तो नींद में ये तीनों दीवारें गिर जाती हैं, इसीलिए कई बार स्मृति की चीज आपके चेतन में चली जाती है। आज सुबह मैं बड़ा डरते हुए उठा क्योंकि मैंने रात्रि में सुबह सुबह ऐसा सपना देखा जो मेरे लिए अच्छा नहीं था, बड़ा डरा हुआ उठा मैं, ये क्या है। स्मृति की कोई चीज वास्तविकता में आ गई जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, स्मृति में से आ गया। कन्हैया 1.5 वर्ष के हैं, खेल के आए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत उधर काटा है दिन भर, मैया से कहते हैं कि मैया सुला दे, मैया गोदी में सुला रही है, वही जो मैंने सुनाया यशोदा हरिपाल ने झुलावे अलरावे मलरावे, जो ही सोई के छुपावे अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावे। मैया इतना की कहते कहानी सुना मैया, माँ कहती है तू सो जाता है, कहानी पूरी नहीं सुनता है। बोले नहीं सुनूंगा। बोले तू थका हुआ है तू सो जा। नहीं मैया कोई कहानी सुन। मैया कहती है एक शर्त है, कहानी सुना दे, मैं कहानी सुनाऊंगा सुनाऊंगी तू हुंकारा भरेगा। हमारे यहाँ हुंकारा कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं, हुंकारा हुंकार, आप क्या कहते हैं। हमारे फूफा जी थे महाराज, वो जब तक हुंकारा नहीं भरते थे बात नहीं करवाते थे आगे। जैसे लोग कहते थे कि हम महाराज जी हम दोनों लोग गढ़ा से निकले भाई साहब छतरपुर के लिए,
गाड़ी में बैठ के, किस में बैठ के, अब जब तक आप गाड़ी में बैठ के हो वो छतरपुर जाने को तैयार नहीं है। वहां से झांसी के रास्ते में हम दोनों ने भाई साहब खाना खाया 150 रुपए में, कितने में, हाँ जब तक 150 नहीं बोलो तो खाना खाने को तैयार नहीं है। वो हुंकारा भरवाते थे, तो माता यशोदा कृष्ण से कहती है तो हुंकारा भरना, आप लोग भी भरना। श्लोक आता है रामो नाम बभूव हुम तत् बला सीते हुम, कहानी सुना रहे हैं आप तो सबके स्मरण में है, इनके लिए सुना रहा हूं। मैया ने कहानी सुनाई कि बेटा एक जमाने में राम नाम के एक राजकुमार हुए थे, क्या उनकी पत्नी का नाम सीता था, तुम तो अभी से सो गए, क्या जागोगे, कन्हैया से पहले ही सो गए, कन्हैया को तो विराम आएगा आज का 3 दिन का, हम कथा समाप्त नहीं करेंगे आज, हम कथा समाप्त नहीं करेंगे चाहे नाराज हो जाएं, हम कथा को स्थगित करेंगे और अगले वर्ष फिर यहीं से शुरू करेंगे। हम जो कथा समाप्त करेंगे आपका ही थोड़ी है, अपनी हमारा भी है, बुलाओ मतलब हम अद्भुत के खुद ही आ जाएंगे। रामो नाम बभूव, राम नाम के एक राजा थे, उनकी सीता नाम की पत्नी थी, वो पिता के कारण ताम पितुर वाचा पंचवटी तटे विहरस्त, वो पिता की आज्ञा पर पंचवटी चले गए। वहां एक बार जब वो जंगल गए थे, अब यहां तक कन्हैया नींद में चले गए, सुनो हल्की सी नींद है, हल्का सा जागरण है, तो मैया ने कहा जो सुन रहे कि वो जब एक बार रामचंद्र जी जंगल गए थे तो उनकी पत्नी का अपहरण करने के लिए रावण साधु का वेश बना के आ गया। जैसे ही मां ने ये कहा तुरंत उछलकर 1.5 साल के कन्हैया ने नींद में कहा लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, आज इस नीच को मैं यहीं मार दूंगा। मेरी श्रीमती जी ज्योग्राफी की प्रोफेसर हैं और वो इस समय एक बड़े संवैधानिक पद पर हैं, तो जब वो प्रोफेसर थी कोरोना के पहले चक्र में तो वो लैपटॉप से वर्चुअल क्लास पढ़ा रही थी अपने बच्चों को, एमएससी वालों को, भूगोल की प्राध्यापिका है प्रोफेसर विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने पढ़ाया कि ऊपर ऊपर जो ये नदियां हैं नीचे जाके रिस जाती हैं और ये सारी नदियां कॉमन होके एक वाटर लेवल का निर्माण करती हैं और फिर दूसरी नदी में वो पानी कैपिलरी वेसल्स से कोशिकाओं से चढ़ जाता है। आपको आनंद आएगा प्रियवर हमारे चिरंजीव अनुज, तो मैंने उनसे परिहास में पूछा जब क्लास समाप्त हो गई, मैंने कहा जी ये बताइए श्रीमती जी ये सरयू का पानी जो नीचे गया है ये भी दूसरी नदियों में मिल गया होगा, उन्होंने कहा मिल गया होगा, तो ये संभव है कि सरयू का पानी नीचे जाकर यमुना जी के पानी में मिल गया हो ऊपर आकर, उन्होंने कहा संभव है। उस दिन इस छोटे से कवि ने सोचा, महाकवि भूषण के बुंदेलखंड में बैठा हुआ हूं मैं, महाकवि मतिराम महाकवि भिखारी दास महाकवि पद्माकर की जगह है, इतने बड़े बड़े कवि पैदा हो, एक ही खानदान के 3 भाई भिखारी दास मतिराम और भूषण तीनों एक, शिवा को सराहो के सराहो छत्रसाल को, ऐसा कहने वाला भूषण यह पैदा, मैं छोटा कवि ये छोटी सोच थी। मैंने सोचा कि मेरे आराध्य नीली माटी का शरीर लेने वाले राघवेंद्र राम जब गुप्तार घाट में सरयू के तट में समाये हो गए और नीचे जाकर उनका विग्रह जल में बदलकर पंच तत्वों में बदलकर यमुना जी में होता हुआ मथुरा के घाट पर पहुंचा होगा, तो बड़े ठाकुर की माटी से दोनों लोगों को सम्मोहित करने वाले छोटे ठाकुर का विग्रह तैयार हुआ। ये आगे इसलिए सुना रहा हूं वृंदावन से आए कि जगत के प्रपंचों से